Hey guys, welcome back to the another video. तो दोस्तों MIUI 12.5 अब जो है एक बहुत ही ज्यादा most awaited UI बन चुका है इस 2021 का, जहां पे जो है Redmi के फोन्स और जो POCO के फोन्स है वहां पे यूजर्स को इंतजार है MIUI 12.5 का। तो आज बात करने वाले हैं POCO X3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ लीक्स निकल के सामने आ रहा है, तो आज उन्हीं पे बात करेंगे कि POCO X3 में MIUI 12.5 का अपडेट कब से निकल के सामने देखने को मिलेगा, यानी आपके फोन में कब से जो है MIUI 12.5 का अपडेट आएगा अगर आप लोग POCO X3 यूजर हैं, वो भी इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी MIUI 12.5 के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं POCO X3 के बारे में। तो दोस्तों POCO X3 जो है दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया था, एक इंडिया के लिए POCO X3 और दूसरा जो है यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो लॉन्च किया गया था वो था POCO X3 NFC। वहां पे NFC का सपोर्ट मिल रहा था जहां पे बैटरी कम थी, और जहां पे इंडिया में जो लॉन्च हुआ था जो वेरिएंट वहां पे बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा दी गई थी, यहां से NFC हटा दिया गया था। तो दोस्तों अब MIUI 12.5 का अपडेट जो है वो इंडिया में मिलने वाला है POCO X3 डिवाइसेस में। आखिर ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले POCO X3 NFC जो कि यूरोपियन कंट्रीज का जो फोन है वहां पे जो है MIUI 12.5 को सपोर्ट किया गया है। जहां दोस्तों वहां पे जो है MIUI 12.5 को POCO X3 NFC के लिए लॉन्च कर दिया गया है, और अर्ली एक्सेस में अभी वो रोल आउट हो चुका है। वहां पे जो उसकी टेस्टिंग चली है और कुछ ही दिनों के अंदर वहां पे स्टेबली वर्जन वो लॉन्च कर दिया जाएगा। अब दोस्तों वहां के अपडेट की बात करें तो वहां पे जो ये MIUI 12.5 का जो अपडेट दिया गया है उसकी फाइल की साइज है 997 यानी 997 MB की ये फाइल होने वाली है। यहां पे दोस्तों जो उस अपडेट में मेंशन किया गया है कि यहां पे बहुत सारी चीजें यहां पे फास्ट की गई है, रेंडरिंग पावर बढ़ाया गया है, स्मूथनेस को बढ़ाया गया है, और बहुत सारी चीजें मतलब लिखी गई है वहां पे चेंज लॉग में। लेकिन दोस्तों हमेशा से MIUI की आदत रही है कि एक भी अच्छा काम करने जाता है तो दो बग्स वहां पे छोड़ देता है। जी हां दोस्तों, वहां पे बग्स छोड़ना MIUI की आदत बन चुकी है, तो वहां पे भी कुछ कुछ बग्स सपोर्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल तो वो अर्ली एक्सेस पे है, तो धीरे धीरे करके जब तक स्टेबल में नहीं आ जाता तो वहां पे बग्स तो देखने को मिलने ही वाला है। खैर अब बात कर लेते हैं हमें हमारे इंडिया के बारे में कि आखिर इंडिया में कब से POCO X3 में जो है MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इंडिया में जो है अभी जो POCO X3 है आप लोगों के पास, वहां पे आप देखे होंगे उसमें रन कर रहा है 12.0। जी हां दोस्तों, MIUI का वर्जन जो 12.0 रन कर रहा है, और लेकिन दोस्तों इसको अपग्रेड करने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब टाइम ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि अभी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के NFC के लिए वहां पे लॉन्च कर दिया गया है, और यहां पे सबसे पहला डिवाइस जो है इंडिया में POCO X2 बना था POCO की लिस्ट में, जहां पे इसे MIUI 12.5 मिला था। लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट्स गई है POCO X2 के तरफ से कि यहां पे MIUI 12.5 के अपडेट के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस कारण से कंपनी जो है अब इस POCO X3 के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए उसे पहले यूरोपियन कंट्री में लॉन्च करके देखा जाएगा। वहां पे वो अगर सक्सेसफुल रहा तो उसे इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन हमेशा की तरह यहां पे भी बग्स देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बग्स फ्री हो जाएगा, ऐसा नहीं है। MIUI की आदत है बग्स देखने को मिलेगा, तो यहां पे भी देखने को मिलेगा। खैर आप जो है इस यूरोपियन कंट्री वाले जो है अपडेट को उसे डाउनलोड करके खुद से इंस्टॉल कर सकती हो, लेकिन वहां पे दोस्तों आप लोगों को परेशानी होने वाली है, क्योंकि आपके फोन में दोस्तों कस्टम रिकवरी ऑन होना चाहिए जो कि फोन को रूट करना होता है। अगर आप अपना फोन को रूट करते हो तभी आप उस फोन जो है अपडेट को डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा की तरह एक ही सजेस्ट करूंगा, एक ही सलाह दूंगा आपको कि कृपया करके फोन को रूट मत करना, और ना ही किसी भी प्रकार के कस्टम रोम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना इस तरह से, क्योंकि इस तरह से जब आप कस्टम रोम को अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों की पूरी रिस्क बन जाती है, वहां पे फोन का कुछ भी हो सकता है, फोन डेड भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से रिस्क मत लेना, अपडेट आज नहीं आएगा तो कल आएगा। अब इस अपडेट की बात कर लेते हैं भाई कि ये अपडेट कब तक आएगा, इसका डेट बता दो। तो भाई इसका डेट जो है वो सितंबर से है, जब सो यहां पे सितंबर के सेकंड वीक के बाद ही से इस यहां पे आपको अर्ली एक्सेस देखने को मिलेगा। जो लोग MIUI के पार्टनर अर्ली एक्सेस प्रोग्राम में हो तो वहां पे आपको सबसे पहले ये अपडेट देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है
दो वीक्स के बाद वहां पे अपडेट जो है स्टेबली सबको मिलना चालू होगा, इसीलिए घबराना मत, सबको मिलेगा, ये बैच वाइज होगा, तो धीरे धीरे करके सबके फोन में अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में कि क्या इसे जो है इंस्टॉल क्यों नहीं करें, क्या ये सेफ नहीं है। दोस्तों इसे आप अगर वहां पे MIUI के सोर्स से यूरोपियन वेरिएंट को डाउनलोड करते हो वो तो सेफ है, ऑफिशियल अपडेट है, लेकिन फोन जो है जैसे आप रिकवरी करोगे, फोन में कस्टम इंस्टॉल करोगे, तो फोन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये जो है यूरोपियन वेरिएंट के लिए बनाया गया है। हो सकता है यहाँ पे आपके डिवाइस को ये सपोर्ट ना करे, बहुत सारे डिवाइस में सपोर्ट कर जाता है, लेकिन कभी कभी किस्मत खराब होती है तो डिवाइसेस में सपोर्ट नहीं करता है और डिवाइस डेड भी हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है, क्योंकि पोको X2 के साथ जो है कैमरा डेड का प्रॉब्लम चालू हो चुका है। तो आई होप आप दोस्तों समझ गए होंगे कि ये अपडेट कब से आ रहा है और आपको ये अपडेट क्यों नहीं कस्टमली डाउनलोड करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, और ये अपडेट कब से ऑफिशियली इंडिया में देखने को मिलेगा। और आई होप कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार उस लाल कलर के बटन को दबा करके प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।